हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं पोको M4 प्रो स्मार्टफोन को और जानने वाले हैं डिटेल में इसके सारे फीचर्स के बारे में। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं इसमें बॉक्स कंटेंट क्या क्या निकलते हैं। तो आइए दोस्तों, एक बार जल्दी से फ़ोन को अनबॉक्स कर लेते हैं। और बॉक्स ऑलरेडी ओपन हो चुका है, लेकिन मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या बॉक्स कंटेंट्स निकलते हैं। इसमें मिलेगा आपको सिम इजेक्टर टूल और ये ट्रांसपेरेंट कवर और कुछ डॉक्यूमेंट्स। नीचे रखा हुआ मिलेगा फ़ोन, एक टाइप सी डाटा केबल, 33 वाट का चार्जर। ये देखिए, हमने ब्लैक कलर में इसे मंगाया था। पीछे की तरफ इसमें आपको तीन कैमरा मिलते हैं और फ्रंट से कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। एक बार इसको जल्दी से सेटअप कर लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं सेटअप करने के बाद। अब बात करते हैं इसके फिज़िकल ओवरव्यू की। राइट साइड में आपको पावर की और वॉल्यूम की मिलेगी। पावर की में ही इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है और ऊपर की तरफ आपको इसमें डुअल स्पीकर, हेडफोन जैक और IR ब्लास्टर मिलेगा। और फ्रंट में आपको पंच होल डिज़ाइन के साथ फ्रंट कैमरा मिलेगा और लेफ्ट साइड में सिम ट्रे मिलेगी आपको। और ये सिम ट्रे डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट के साथ आती है, जिससे आप ज़रूरत पड़ने पर मेमोरी को एक्सटेंड कर सकते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.43 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। ये डिस्प्ले 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आती है, जिससे आउटडोर में कंटेंट देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप आसानी से डायरेक्ट सनलाइट के नीचे कुछ भी देख पाएंगे। प्लस ये डिस्प्ले 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है, तो डे टू डे डेली टास्क में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पोको M4 Pro दो मॉडल में आता है, एक 5G और एक 4G। जो 5G वाला है उसमें आपको LCD डिस्प्ले मिलती है और ये जो आप फ़ोन देख रहे हैं ये 4G वेरिएंट है, इसमें आपको AMOLED डिस्प्ले मिलेगी। AMOLED डिस्प्ले का एडवांटेज ये है कि आपको इसमें कलर्स बहुत ज़्यादा पंची दिखाई देते हैं, ब्लैक एकदम डीप ब्लैक दिखाई देंगे और बाकी कलर्स आपको बहुत ही ज़्यादा सैचुरेटेड और आई प्लीजिंग दिखाई देंगे। और AMOLED डिस्प्ले बैटरी भी कम कंज्यूम करती है एज़ कम्पेयर टू LCD डिस्प्ले। अब बैटरी की बात कर लेते हैं, आपको इसमें 5000 mAh की बैटरी मिलेगी और ये फ़ोन 33 वाट के फास्ट चार्जर के साथ आता है, जो 0 से 100% तक 1 घंटे में आपके फ़ोन को चार्ज कर देगा। अब इसके सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपको MIUI वर्ज़न 13 मिलेगा, जो बेस्ड है एंड्रॉयड वर्ज़न 11 के ऊपर। ये फ़ोन पोको लॉन्चर के साथ आता है। अब क्योंकि ये एक बजट फ़ोन है तो इसमें आपको कुछ ब्लॉटवेयर तो मिलेंगे, लेकिन आप उन्हें आसानी से अनइंस्टॉल कर सकते हैं कुछ इस तरह से। कैमरा की बात करें तो इसमें आपको पीछे की तरफ तीन कैमरा मिलेंगे, जिसमें मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है और दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है और तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। इसे वीडियो आप 1080p 30 FPS तक ही रिकॉर्ड कर पाएंगे। 4K में ये वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाता है क्योंकि प्रोसेसर 4K में कैपेबल नहीं है। पीछे की तरफ इसमें प्लास्टिक का बैक पैनल दिया है, जिस पर आसानी से स्क्रैच पड़ जाते हैं। और जो ये कैमरा मॉड्यूल है, ये मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक तो इसके ऊपर पोको की ब्रांडिंग लिखी गई है बड़े बड़े अक्षरों में और दूसरा इसके कैमरा मॉड्यूल के नीचे आप देख पा रहे होंगे डस्ट जम जाता है जब आप इसे यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आपको कवर इस्तेमाल करना होगा। ये डिज़ाइन
आपको पिछले साल Mi 11 Ultra में मिला था, जो Xiaomi का लास्ट ईयर का सबसे फ्लैगशिप फ़ोन था। ओवरऑल 13,000 के अंदर ये फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है, आप इसे ले सकते हैं। बाकी आपको ये फ़ोन कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।